नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने 35 साल के करियर में माधुरी दीक्षित ने इस बात से संतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि हर तरह की फिल्में की, जबकि उन्हें कहा गया था कि वो केवल व्यावसायिक सिनेमा के लिए बनी हैं और अन्य तरह के सिनेमा में नाकाम हो जाएंगी। अभिनेत्री ने हम आपके है कौन, साजन, दिल तो पागल है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्होंने मृत्युदंड, लज्जा जैसी फिल्मों में भी काम किया। माधुरी ने पीटीआई भाषा से कहा, मेरे करियर की शुरुआत से मैंने अलग अलग तरह की फिल्में की, लेकिन मुझे हमेशा कहा जाता था कि मुझे केवल व्यवसायिक फिल्में करनी चाहिए। खासतौर से जब मैं मृत्युदंड कर रही थी, तब मुझे ये कहा गया कि लोग कहते थे कि मैं कला सिनेमा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने किया। उन्होंने कहा, ये उतनी बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन लोगों ने मुझे उसमें पसंद किया और उसने दूसरों को भी ऐसा ही करने का मौका दिया। आपको लीक से हटकर चीजें करने की जरूरत होती है, ना अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। आजा नचले से 2007 में बॉलीवुड में वापसी करने के बाद से माधुरी पहली बार कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल में दिखाई देंगी। अभिनेत्री ने कहा, उन्होंने ये फिल्म इसलिए चुनी क्योंकि इसने उन्हें कुछ ऐसा करने का मौका दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इस फिल्म में अजय देवगन, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा जैसे कलाकार हैं। टोटल धमाल 22 फरवरी को रिलीज होगी।